सुप्रभात कक्षा पहली। आज हम हिंदी के पाठ 7 भाग 4 में ए और एन की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। इसके पहले आपने आ से बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीस, इतनी मात्राओं के बारे में आपने पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम ए और ए की मात्रा वाले शब्द। आपको पहले पार्ट में हमने बताया था कि ए, ए ये जो मात्रा होती है राजा के मुकुट बदल बदल कर लगता है, ये बात बताई थी। तो कहने का मतलब क्या था कि जो ए और ए की मात्रा है ये हमेशा लाइन के ऊपर लगाई जाती है। ए के ऊपर एक मात्रा आती है और ए के ऊपर दो मात्रा आती है। तो हमको आज जानना है कि ए और ए की मात्राओं में क्या अंतर है। एक अंतर तो ये है कि ए वाले में सिर्फ एक मात्रा आएगी और ए वाले में दो मात्रा आएगी। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं ए की मात्रा वाले और ए की मात्रा वाले, तो आज हम उसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, बेल बै, केला थैला, नेवला पैदल, मेवा कैसा, सवेरा सैनिक, पैसा सेब। तो ये क्या थे ए और ए के शब्द। तो अब इसके बाद कुछ ए और ए के शब्दों को प्लस करके अलग अलग कर दिया गया है, मात्राओं को और वर्ण को अलग अलग कर दिया गया है। तो आपको उनको जोड़कर यहाँ पर शब्द बनाकर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ये म, म भी कौन सी मात्रा चाहिए, एक मात्रा। तो एक मात्रा क्या हो गई, एक ही मात्रा। फिर क्या लिखा है ला, हम क्या लिखेंगे पहले म। अब देखिए लाइन के ऊपर है नहीं मात्रा एक ही, तो अपन में एक ही ऊपर लगाएंगे और ये ला लिखा हुआ है तो हम ला लिखेंगे। तो ये क्या बन गया मेला। अब यहां देखिए क्या क्या है अलग 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 वर्ण लिखा हुआ, सबसे पहले क्या लिखा है म। अब यहाँ पे ए की मात्रा, डबल मात्रा का इसका मतलब ये ए, कौन सा ए, ये वाली मात्रा, तो हमने इसके ऊपर ए की मात्रा लगा दी। फिर क्या लिखा है द, द में हमें क्या की मात्रा लगाना है आँख, ये आँख की मात्रा, और क्या है ये न, ये हमने लिख दिया न। तो क्या शब्द बन गया मैदान। इसके बाद फिर देखिए स्लाइड में ये क्या लिखा है क, में क्या की मात्रा है आए, डबल मात्रा कै। फिर क्या लिखा है ल, ये लिखा आपने ल, ल में क्या की मात्रा है आ की, ये आपने लिखा आ की मात्रा, और ये क्या लिखा है श, ये हमने लिख दिया श। तो क्या हो गया कैलाश। अभी इधर ध्यान रखो, देखिए पहले क्या लिखा है ब। अब देखिए एक की मात्रा तो कौन सी मात्रा हुई, एक की मात्रा, तो हमने ये लिखा ए और ये लिखा है ल और ये क्या लिखा है न, तो क्या बन गया बेलन। आपने जो यहाँ पे वर्ण और मात्राओं को अलग अलग करके लिखा था आपने उनको जोड़कर शब्द लिखाया, तो क्या क्या शब्द बन गए मेला मैदान कैलाश बेलन। तो आप देखते होंगे ए और ए की मात्रा वाले शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ए की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण हम जल्दी से कर लेते हैं और ए की मात्रा वाले शब्दों में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे देखिएगा आप बोलेंगे बेल बै, अंतर आया बेल बै, तो इस प्रकार से मात्राओं में बोलने में भी अंतर आता है। तो जिस प्रकार से आप उच्चारण करेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे। अगर आप शब्दों के उच्चारण एकदम सही करेंगे तो लिखने में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखा है देवता करेला तैरा हैदराबाद, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को अपन वर्ण विच्छेद करेंगे। कहने का मतलब कि वर्ण और मात्राओं को अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने वर्ण और मात्राओं को जोड़ के लिखा था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ण और मात्राओं को अलग अलग करके।
देवता। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे द प्लस द में क्या की मात्रा है एक, एक मात्रा है ना, तो ये हमने लिख दिया एक की मात्रा। याद रखिए ए और एन की मात्रा हमेशा लाइन के ऊपर ही मात्रा चलेगी। अब इसके बाद क्या लिखा है व, तो ये हमने लिख दिया व प्लस क्या लिखा है त, तो ये हमने लिखा त। अब त में क्या की मात्रा लगी हुई है आ की, तो ये हमने लिखा आ। क्या बन गया देवता। उसी प्रकार से क्या लिखा है करेला, सबसे पहले हमने क्या लिखा क, ठीक क्या है र, र में क्या की मात्रा है ए, और भी क्या है ल, ये आपने लिखा ल, और ल में क्या की मात्रा आ गई आ, तो क्या हो गया करेला। उसके बाद क्या है ये पैरा, पैरा में लिखे त, त में ए की मात्रा है, तो अपन ने ये ए की मात्रा लगा दी। फिर क्या है र, र में क्या की मात्रा लगा दी आ की, और फिर हमने लिख दिया क, ये क्या बन गया तैरा। अब इसके बाद क्या लिखा है हैदराबाद। अब इसका हम पीछे कैसे करेंगे वर्ण और मात्राओं को अलग अलग, देखिए ख हमें क्या की मात्रा लगी हुई है आए, तो ये हमने लिख दिया आए, तो क्या हो गया है, ठीक। ग में कोई मात्रा नहीं है और ग में क्या की मात्रा है अ की, ये हमने आ की मात्रा लगा दी। अब इसके बाद क्या है ब, ब में हमने आ की मात्रा लगा दिया, और फिर इसके बाद क्या है द, द में कोई मात्रा नहीं है, ये हो गया हैदराबाद। तो आपने देखा कि ए और ए की मात्रा वाले शब्द, और आपने जो वर्ण और मात्रा अलग अलग थी उनको जोड़ के आपने शब्द बनाए, और जो यहाँ पर शब्द लिखे थे उनको आपने अलग अलग करके लिखा। तो अब ए और ए की मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं उनके एक बार आप उच्चारण करिए, जैसे बेल बैल केला थैला नेवला पैदल मेवा पैसा सवेरा शैनी पैसा से मेला मैदान कैलाश बेल देवता करेला पैरा हैदराबाद, ये आपके शब्द थे। तो जब आपको ए और ए की मात्रा वाले शब्दों की पहचान हो गई, तो आपसे अगर हम बोले कि ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखो, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए ए वाले हैं ए की मात्रा वाले हैं और ये ए की मात्रा वाले शब्द हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा होगा बेल, इसमें आ जाएगा इसके नीचे एक मात्रा है इसमें, ये हमने लिख दिया बेल। इसके बाद बै, देखिए दो मात्रा वाले हैं केला, ये हमने लिख दिया यहाँ पर केला। केला के बाद लिखा थैला, तो थैला इसमें आ गया। फिर नेवला, नेवला में एक एक मात्रा है, ये आ गया नेवला का। इसके बाद पैदल, इसके नीचे आ गया पैदल पैदल। फिर मेवा, एक मात्रा है तो इसमें आ जाएगा मेवा। इसके बाद क्या है कैसा, क में ए की मात्रा है कै और स में आ की मात्रा स कैसा। सवेरा, स व में ए की मात्रा वे और र में आ की मात्रा सवेरा। शैनी, स में ए की मात्रा स है न में छोटी की मात्रा ही और शैनी। फिर आगे यहाँ पर पैसा, तो कौन सी मात्रा है ए की मात्रा, तो आपने यहाँ लिख दिया पै, क्या है से, समय ए की मात्रा से। तो इस प्रकार से जब आपको अक्षरों की पहचान हो गई, तो ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को आपने अलग अलग किया। इसलिए आप शब्दों का जितना उच्चारण करेंगे और जितना लिखेंगे उतना आपको बोलने और लिखने का अभ्यास होगा, और लिखने में कोई आपसे त्रुटि नहीं होगी। इसलिए आपका जो ए और ए की मात्रा वाले शब्द वाला पाठ है, उस पाठ में जो भी शब्द दिए हैं उसे आप बार बार उच्चारण करें और लिखने का अभ्यास करें, तो आपको इन मात्राओं का अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।